हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक अफ्रीकन लड़के और एक जिराफ की सच्ची कहानी देखेंगे जिनकी लाइफ उस वक्त बदल जाती है जब एक स्लेव ट्रेडर उन्हें अपना शिकार बनाने की सोचता है और यहाँ से उनकी एक एडवेंचरस जर्नी स्टार्ट होती है। तो ये मूवी अफ्रीका के एक कंट्री सुडान से शुरू होती है जहाँ हम कुछ गुलामों को बंधे हुए देखते हैं। इनमें दो बच्चे भी शामिल हैं, एक लड़का मैकी और दूसरी उसकी फ्रेंड सूला। ट्रेडर्स उनके गांव को जलाकर उन्हें अपने साथ ले आए हैं ताकि यूरोप में उन्हें गुलाम बनाकर बेच सके। और इनका मास्टरमाइंड है मोरेनो नाम का एक स्लेव ट्रेडर। वो लोग इन पर बहुत जुल्म करते हैं और ये देखकर मैकी डर जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी बेड़ियां बहुत बड़ी हैं और वो सूला से भी खुद को फ्री करने को कहता है, लेकिन सूला डर के मारे ऐसा नहीं कर पाती। तब मैकी अकेला ही वहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन देखता है कि सामने नदी में तो मगरमच्छ बैठा हुआ है। फिर वो एक दूसरा रास्ता लेता है, लेकिन एक डॉग की नज़र पड़ने से मोरेनो को उसके भागने का पता चल जाता है और वो भी डॉग के साथ उसका पीछा करने लगता है। भागते हुए मैकी को एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है, लेकिन वो देखता है कि उसमें छुपने की कोई जगह नहीं है। वो उस पेड़ से अपनी मदद करने को कहता है और तभी एक फ्रूट के गिरने से उसे जमीन में बना एक होल नजर आता है। मोरेनो वहाँ उस तक नहीं पहुँच पाता और बाद में आने को कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर मैकी देखता है कि पेड़ का तना एकदम खोखला है और वो उसके थ्रू एक डाल पर चढ़ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि ये स्टोरी असल में एक बूढ़ा आदमी सुना रहा है और उसके पास मैकी और दूसरे कैरेक्टर्स की पपेट्स भी हैं। आगे वो बताता है कि मैकी उस रात उस पेड़ पर ही सो गया और सुबह वो देखता है कि एक जिराफ वहाँ उसे घूर रही है। उसके साथ उसका बेबी और दूसरे जिराफ भी हैं और मैकी उस बेबी जिराफ को देखकर बहुत खुश होता है। इधर मोरेनो भी दूर से उसे देख लेता है और कहता है कि अब तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। यहीं हम एक अरब सौदागर हसन को देखते हैं जो इजिप्ट के पाशा के लिए एक जिराफ पकड़ने आया है और वो भी मैकी और मोरेनो का पीछा करने लगता है। मोरेनो देखता है कि मैकी एक तालाब में जिराफ के साथ खेल रहा है और वो उसे वहाँ से बाहर आने को कहता है। ममा जिराफ मोरेनो को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे शूट कर देता है और ये देखकर मैकी और उसके बेबी को बहुत दुख होता है। तभी वो सौदागर हसन वहाँ आता है और मोरेनो ये कहकर चला जाता है कि वो एक दिन इसका बदला जरूर लेगा। हसन मैकी को अपने गांव वापस जाने को कहता है और बेबी जिराफ लेकर अपनी जर्नी पर निकल जाता है। तब मैकी ममा जिराफ से प्रॉमिस करता है कि वो उसके बेबी का साथ कभी नहीं छोड़ेगा और उसे वापस लाकर ही रहेगा। वो छुपकर हसन का पीछा करने लगता है और जल्दी ही वो जंगल से निकलकर एक रेगिस्तान में आ जाते हैं। हसन भी जानता है कि मैकी उसके पीछे आ रहा है और इसीलिए वो उसके लिए थोड़ा पानी छोड़ता है और देखता है कि वो हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। थोड़ा और आगे जाने पर मैकी की हालत खराब होने लगती है और तब हसन उसे अपने साथ ले जाता है। रात को वो एक जगह आराम करने रुकते हैं और हसन नोटिस करता है कि मैकी को उस जिराफ से बहुत लगाव है और जिराफ भी उसकी हर बात मान रहा है। वो प्यार से उसका नाम जिराफा रख देता है जो जिराफ के लिए एक अरेबिक वर्ड है और कहता है कि ना चाहते हुए भी मुझे इसे अपने साथ ले जाना होगा और तुम्हें मैं कल तुम्हारे गांव भेजने वाला हूँ। रात को मैकी जिराफा को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हसन उसे समझाता है कि इस तरह तो तुम जरूर मारे जाओगे क्योंकि रेगिस्तान में रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल है, और मैकी भी उसकी बात मान जाता है। सुबह वो एक बार फिर आगे बढ़ने लगते हैं और हसन उन्हें अपने दोस्त महमूद के पास लाता है जिसकी रेगिस्तान में एक ट्रेडिंग शॉप है। महमूद भी उस जिराफ को देखकर बहुत इम्प्रेस होता है और हसन उसे बताता है कि मुझे इसे जिंदा रखने के लिए दूध की जरूरत है क्योंकि हमारा सफर बहुत लंबा होने वाला है। तब महमूद उसे दो गाय दिखाता है जिनके नाम है सुन और मुन और बताता है कि ये खास तिब्बत से आई हैं और इनसे तुम्हें जिराफ के लिए अच्छा दूध मिल जाएगा। हसन उनमें से एक को खरीदने को तैयार हो जाता है, लेकिन महमूद कहता है कि ये दोनों जुड़वा बहनें हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। हसन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उनमें से सुन को खरीद लेता है। यहाँ वो बच्चे पूछते हैं कि आखिर सुन और मुन भला कैसे नाम है, और तब वो बूढ़ा आदमी बताता है कि ये दोनों इक्लिप्स के दिन पैदा हुई थी। जब मून पैदा हुई तो चांद ने सूरज को ढक लिया था और सुन के पैदा होते ही सूरज फिर निकल आया। आगे वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है कि हसन मैकी को उसके गांव वापस भेजना चाहता था और महमूद उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और कहता है कि कल मैं इसे एक कारवा के साथ अफ्रीका भेज दूंगा। फिर सुबह हसन बिना मैकी को बताए वहां से निकल जाता है और सुन भी अपनी बहन से अलग होकर उदास हो जाती है। जल्दी ही मैकी की आँख भी खुल जाती है और वो समझ जाता है कि हसन उसे छोड़कर जा चुका है।
तभी वो मून को देखता है जो अपनी बहन के पास वापस जाना चाहती है और मैकी उसे भगाकर अपने साथ ले जाता है। इधर जराफा हसन की बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है और तभी हम देखते हैं कि मैकी और मून भी उन तक पहुंच गए हैं। आगे वो लोग इजिप्ट में एंटर कर जाते हैं और हसन भी मैकी को देखकर उसे अपने पास बुला लेता है। वो उसे वॉर्न करता है कि तुम्हारा और जराफा का साथ बस इजिप्ट तक ही है और फिर तुम्हें अपने गाँव वापस जाना होगा। यही वो नदी में मोरेनो को देखते हैं जो खुद भी इजिप्ट ही जा रहा है और उसने अभी भी सूला को बंदी बनाया हुआ है। सूला उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और हसन भी मैकी को अपने पीछे छुपा लेता है ताकि मोरेनो यहाँ कोई प्रॉब्लम ना खड़ी करे। फिर जल्दी ही वो लोग इजिप्ट तक पहुँच जाते हैं और मैकी देखता है कि वहाँ तो एक जंग छिड़ी हुई है। पता चलता है कि टर्की इजिप्ट को अटैक कर रहा है और उन्होंने समुद्र के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। यही हम हसन के एक और दोस्त मालाटियर को देखते हैं जो अपने फ्लाइंग बैलून से दुश्मनों पर नजर रखे हुए है और वो हसन को वापस आता देख बहुत खुश होता है। फिर हसन जराफा को लेकर पाशा से मिलने जाता है और वो भी उसके काम को देखकर बहुत इम्प्रेस होता है। पाशा जराफा को फ्रांस के किंग को गिफ्ट करना चाहता है ताकि बदले में वो टर्की से लड़ने में उनकी मदद कर सके, लेकिन सवाल ये था कि आखिर वो उसे फ्रांस तक कैसे भेजेंगे क्योंकि टर्की ने सभी रास्ते बंद कर रखे हैं। किंग इसमें मोरेनो की हेल्प लेना चाहता है लेकिन हसन कहता है कि वो एक स्लेव ट्रेडर के साथ साथ एक चोर भी है और हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैकी भी वहाँ अपनी फ्रेंड सूला को देखता है लेकिन फिलहाल वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। तभी हसन को मालाटियर का ध्यान आता है और वो प्लान करते हैं कि हम फ्रांस तक उसके बैलून में उड़कर जाएंगे। मालाटियर भी थोड़ा झिझकने के बाद एग्री हो जाता है और वो वहाँ जाने की तैयारी करने लगते हैं। हसन मैकी को ले जाने से मना कर देता है और कहता है कि मेरा कैमल तुम्हें तुम्हारे गांव पहुंचा देगा। मालाटियर उदास बैठे मैकी से बात करने जाता है और उसे पता चलता है कि वो जराफा को खुद से दूर नहीं करना चाहता। ये सुनकर उसे एक आइडिया आता है और वो एक पुतले को कैमल पर बिठाकर मैकी को घास में छुपाकर अपने बैलून तक ले आता है। हसन को इसकी भनक तक नहीं लगती और वो लोग अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं, लेकिन वेट ज्यादा होने के कारण बैलून ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता और हसन उस घास को नीचे फेंकने लगता है। मालाटियर उसे ऐसा नहीं करने देता और तभी वो देखते हैं कि बैलून का वेट अचानक से कम हो गया है। पता चलता है कि सुन और मुन ने नीचे छलांग लगा दी है और ये देखकर हसन उस घास को भी नीचे फेंक देता है और कहता है कि गाय के बिना इसे भला कौन खाएगा। यही नीचे हम एक पायरेट शिप को देखते हैं जिसकी कैप्टन एक बोबोलिना नाम की लेडी है और वो गाय और मैकी उसी शिप पर आ गिरते हैं। हसन भी ये सब देख लेता है और वो मालाटियर को इसके लिए बहुत डांट लगाता है। इधर मैकी बोबोलिना को बताता है कि वो लोग पाशा के एक मिशन पर निकले हुए हैं और ऊपर बैलून में बहुत कीमती खजाना है। ये सुनकर पायरेट्स को लालच आ जाता है और वो अपने शिप से उस बैलून को फॉलो करने लगते हैं। फिर मालाटियर गैस भरने के लिए स्पेन की एक सिटी में रुकता है जहां मोरेनो पहले से ही मौजूद है और वो हसन को यहां सबक सिखाने की सोचता है। रात को वो अपने आदमियों के साथ उस पर अटैक करने जाता है लेकिन देखता है कि उनके साथ तो पायरेट्स की पूरी टीम है और उसे यहां से भी भागना पड़ता है। बोबोलिना को भी मैकी के खजाने का पता चल जाता है और वो हसन से रिक्वेस्ट करती है कि तुम्हें जराफा और मैकी को वापस घर ले जाना चाहिए। साथ ही वो उसे अपना एड्रेस भी देती है और कहती है कि मैं दोबारा तुमसे जरूर मिलना चाहूंगी। फिर जल्दी ही वो लोग अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं और मैकी देखता है कि हसन अफ्रीका नहीं बल्कि फ्रांस जा रहा है और ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। ट्रेवल करते हुए वो एल्प्स की पहाड़ियों में आ पहुंचते हैं लेकिन जहां उनका बैलून क्रैश हो जाता है। मैकी मौका देखकर जराफा के साथ भाग निकलता है लेकिन जंगल में कुछ बुल्स उन्हें घेर लेते हैं। तभी उनकी मदद करने सुन और मुन वहाँ आती हैं और हसन भी उन्हें ढूंढता हुआ जंगल की ओर चला जाता है। इधर वो गाय उन वुल्फ्स को भगा देती हैं, लेकिन इसमें सुन को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है जिसे देखकर वो सब दुखी हो जाते हैं। हसन मैकी को समझाता है कि जल्द ही इसकी सोल किसी दूसरे एनिमल में चली जाएगी और तभी वो सुन के कलर की एक बटरफ्लाई को देखते हैं जो उस जर्नी पर उनके साथ आगे बढ़ने लगती है। बैलून के फटने के कारण आगे का सफर उन्हें पैदल ही तय करना पड़ता है और फिर फाइनली एक दिन वो फ्रांस तक पहुंच जाते हैं। वहां वो किंग के जू कीपर से मिलते हैं जो जराफा को एक जू में डाल देता है और उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। किंग भी वहां उसे देखने आता है और वो सब पहली बार एक जिराफ को देखकर बहुत खुश होते हैं।
तब हसन उसे पाशा का मैसेज देता है, लेकिन देखता है कि किंग उनकी रिक्वेस्ट का मजाक उड़ा रहा है और लड़ाई में उनकी कोई मदद नहीं करने वाला। तब मैकी उनसे जराफा को वापस मांगता है, लेकिन किंग कहता है कि एक गिफ्ट को लौटाया नहीं जा सकता। यही हम मोरेनो को देखते हैं और उसे भी जराफा के फ्रांस में होने का पता चल जाता है। इधर हसन मैकी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जराफा को छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं होता और हसन उसे वहीं छोड़कर जाने लगता है। तभी उसे मैकी की चीख सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि मोरेनो जरूर उसे उठा कर ले गया है। मोरेनो मैकी को एक तहखाने में डाल देता है और वो देखता है कि उसकी फ्रेंड सूला भी वहीं कैद है, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती और मोरेनो सूला को एक दूसरे आदमी को भेज देता है और मैकी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। उधर जराफा का भी यही हाल है जो मैकी के वापस आने का वेट कर रहा है, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आता। ऐसे ही करते हुए काफी टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं कि जराफा का साइज अब बड़ा हो चुका है और मून और बटरफ्लाई भी उसी जू में रहते हैं। यही हम माला टेयर को भी देखते हैं, जिसने अपने बैलून को एक राइड में बदल दिया है, लेकिन काम ना होने की वजह से वो बहुत परेशान है। हसन भी मैकी को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता और इसकी और अपने मिशन के फेल होने की वजह से वो वापस अपने देश भी नहीं जा पाता। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा परेशान था मैकी, जिसे सबक सिखाने के लिए मोरेनो ने अपना नौकर बना लिया था और उसे इस कैद से छूटने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर एक दिन किंग को एक हिप्पोपोटामस गिफ्ट में मिलता है और वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी मैकी देखता है कि सूला भी अपने मालिक के साथ वहीं आई हुई है और एक मिसहैप का फायदा उठाकर वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। वहाँ से वो दोनों जराफा के पास आते हैं, लेकिन देखते हैं कि उसका पिंजरा तो एकदम खाली है और तभी उन्हें मोरेनो के डॉग की आवाज आती है। उससे बचने के लिए वो एक वर्कशॉप में छुप जाते हैं, जिसमें एक बड़ा सा स्टैचू रखा हुआ है और वो डॉग वहाँ उन्हें नहीं पकड़ पाता। तभी दूर मैकी को माला टेयर का बैलून दिखाई देता है और वो दोनों वहाँ उससे मदद मांगने जाते हैं और कहते हैं कि घर जाने का वक्त आ गया है। वो हसन को भी अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो सुनने समझने की हालत में बिल्कुल नहीं है और उन्हें उसे छोड़ना पड़ता है। फिर बैलून लेकर वो सीधा जू में आते हैं और इस बार फाइनली जराफा उन्हें मिल जाता है, जिसके साथ मुन भी है। मैकी माला टेयर से उसे निकालने में मदद करने को कहता है, लेकिन वो बताता है कि जराफा का साइज बहुत बड़ा हो गया है और हम उसे बैलून में नहीं ले जा सकते। मैकी को ये सुनकर बहुत दुख होता है और तभी वो देखता है कि जराफा उससे बात कर रहा है। वो मैकी को समझाता है कि तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा और इसी से मुझे असली खुशी मिलेगी। वो उसे अपनी मॉम के दिए वचन से आजाद करता है और बताता है कि मैं तुमसे तुम्हारे सपने में मिलने आऊंगा। तभी उन्हें ढूंढता हुआ मोरेनो वहाँ आता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें कोई नुकसान पहुँचा पाए, हसन वहाँ आकर उसे रोक लेता है। फिर वो मैकी को लेकर बैलून की ओर जाने लगता है, लेकिन मोरेनो पीछे से उसे शूट कर देता है और ये देखकर मैकी रोने लगता है। उधर जराफा उन्हें भागने का मौका देता है, लेकिन मोरेनो हार मानने वाला बिल्कुल नहीं था और वो उनके बैलून से लटक जाता है। तब मैकी और सूलो उसके हाथ पर बाइट कर देते हैं, जिससे वो सीधा नीचे बियर के पिंजरे में जा गिरता है और वो बियर उसे मार डालते हैं। आगे वो बूढ़ा आदमी बताता है कि उन्हें अफ्रीका आने में कई साल लग गए और रास्ते में उनके एडवेंचर के और भी कई किस्से हैं, जो वो उन्हें किसी और दिन सुनाएगा। एंड में वो बताता है कि मैकी और सूला बड़े हो चुके थे और शादी करने के बाद उन्होंने उस बड़े से पेड़ के नीचे अपना घर बना लिया, जो देखते ही देखते एक पूरे गाँव में बदल गया। ये सुनकर एक लड़का रोने लगता है और कहता है कि हसन को इस स्टोरी में नहीं मरना चाहिए था। तब वो आदमी उन्हें बताता है कि स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि लाइफ हमें कभी कभी बहुत से सरप्राइज देती है। हसन के साथ भी ऐसा ही हुआ था और उसे एक भला इंसान हॉस्पिटल ले गया, जहाँ से ठीक होकर वो सीधा ग्रीस जा पहुँचा और वहाँ उसने और बोबुलिना ने आपस में शादी कर ली। फ्रांस के जू में नए एनिमल्स का आना इसी तरह चलता रहा और इसी वजह से जराफा को भी अपना लाइफ पार्टनर मिल गया। तभी शाम हो जाती है और वो आदमी कहता है कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। बच्चे भी समझ जाते हैं कि हमेशा की तरह वो अपने कुछ दोस्तों से मिलने गया है, लेकिन किसी ने आज तक उन्हें कभी नहीं देखा। उधर वो आदमी दूर खड़े अपने दोस्तों को देखता है, जो असल में इस स्टोरी के बाकी करेक्टर्स हैं, और यहाँ पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी ही असल में मैकी था। और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।